तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वाली इस वीडियो में मैं इन दोनों व्हीकल के बीच रेस कराने वाला हूं, जिसमें कि हमारा पहला व्हीकल है लैम्बोर्गिनी और दूसरा व्हीकल है सुप्रा। और भाई मैंने सभी व्हीकल की अलग अलग रेसिंग करा रखी है, जिसमें सभी रेस में हमारी लैम्बोर्गिनी ही जीतती है। अगर आपने वो सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि आज की रेसिंग में कौन सी व्हीकल जीतती है, लैम्बोर्गिनी या सुप्रा। तो चलो गाइस रेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेसिंग ट्रैक का एंडिंग पॉइंट दिखा देना चाहता हूं। तो भाई ये है हमारे रेसिंग ट्रैक का एंडिंग पॉइंट। इस लाइन को जो भी व्हीकल सबसे कम समय में पार करेगा वो व्हीकल हो जाएगा इस रेस का विनर। और भाई ये देखो हमारे दोनों व्हीकल वहां पर खड़े हुए हैं, लैम्बोर्गिनी और सुप्रा। तो चलो भाई अब रेस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले मैं चलाने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी को। तो देखते हैं कि हमारी जो लैम्बोर्गिनी है वो कितने समय में हमारे रेसिंग ट्रैक के एंडिंग पॉइंट को पार कर पाती है। 3, 2, 1 एंड गो। भाई आपको बगल में टाइमर शो कर रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा व्हीकल कितने समय में उस एंडिंग पॉइंट को पार कर पाती है। तो हमारे व्हीकल को चलने देते हैं। तो भाई हमारे लैम्बोर्गिनी को यहाँ तक आने में लगे हैं 16.700 सेकेंड। तो अब सुप्रा की बारी है, अब देखते हैं कि सुप्रा को वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो सुप्रा को स्टार्ट करते हैं और भाई चलते हैं इन 3, 2, 1 एंड गो। तो देखते हैं कि सुप्रा को वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है। और भाई लैम्बोर्गिनी को लगे थे 16.700 सेकेंड। देखते हैं कि सुप्रा को कितना टाइम लगता है एंडिंग पॉइंट तक जाने में। तो भाई गाड़ी को चलने देते हैं। तो भाई सुप्रा को यहाँ तक आने में लगे हैं 17.300 सेकेंड, जो कि लैम्बोर्गिनी से ज़्यादा है। इसलिए आज का विनर है भाई लैम्बोर्गिनी। तो भाई सुप्रा भी हार गई लैम्बोर्गिनी से। अगली रेस किसके बीच कराई जाए आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।